हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर सिलेबस, सब्जेक्ट क्या होती है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और मार्क्स कितने होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे। फर्स्ट वन होती है बायोसाइंस। बायोसाइंस में होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती है और माइक्रोबायोलॉजी होती है, ये दो सब्जेक्ट होती है। इसके बाद सेकेंड होती है बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस में आता है साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। इसके बाद थर्ड वन जो होती है सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में आता है फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ये दो सब्जेक्ट होती है जो कि फाउंडेशन ऑफ द नर्सिंग में आती है। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। इसके बाद फोर्थ वन होती है सब्जेक्ट, वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, न्यूट्रिशन होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो प्रैक्टिकल होता है जो कि कॉलेज लेवल पे होता है। फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज लेवल पे होता है और थर्ड ईयर में अब क्या है कि एग्जामिनर आगे से आते हैं। इसके बाद हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। फर्स्ट वन पेपर कितने होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो बायोसाइंस का होता है जिसमें एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी टोटल होती है 100 मार्क्स की। इंटरनल असिसमेंट मतलब कॉलेज के थ्रू जो नंबर जाते हैं आपके इंटरनल असिसमेंट वो 25 होते हैं। इसके बाद बोर्ड ऑफ काउंसलिंग जो एग्ज़ाम होता है वो 75 नंबर का होता है। इसके बाद वेटेज मतलब एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी होती है उसका पोर्शन होता है 65% एंड माइक्रोबायोलॉजी जो होती है वो होती है 35%। इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। इसके बाद सेकेंड होता है बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस होती है इसमें साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी आती है जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद इंटरनल असिसमेंट वही जो कॉलेज से नंबर आपके भेजे जाते हैं 25 में से, जैसे कि किसके 22 गए 23 गए ऐसे, और एग्जामिनेशन जो पैटर्न होता है उसके थ्रू होते हैं 75 नंबर का जो पेपर आता है आगे से, जिसमें से 38 नंबर आपको लाने जरूरी है। 38 नंबर इम्पोर्टेंट पास होने के लिए। इसका जो पोर्शन होता है 65% होता है जो साइकोलॉजी होती है और 35 जो होती है वो सोशोलॉजी होती है। ड्यूरेशन भी इसका 3 आवर्स ही होता है। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आता है फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग एंड फर्स्ट एड जो होता है 100 नंबर का पेपर। इसके बाद इंटरनल असिसमेंट 25 भी होता है और 75 जो आगे से पेपर होता है इसमें कोई पोर्शन नहीं बटा हुआ है, ये होता है 3 आवर्स का। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, CHN होती है मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट और न्यूट्रिशन दोनों को मिला के 100 नंबर का जो पेपर होता है। इसके बाद 25 नंबर इंटरनल असिसमेंट होते हैं और 75 नंबर जो होता है जो कि एग्ज़ाम का होता है, जिसमें 38 नंबर लाने इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका पोर्शन होता है 85% तो CHN आती है और 15% मतलब 15% जो होती है वो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होती है। इसके बाद ये ड्यूरेशन इसका 3 आवर होता है। और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की बात करें तो फर्स्ट ईयर में एक ही प्रैक्टिकल होता है, वो होता है फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग का। टोटल नंबर का होता है 100 और इंटरनल असिस्टेंट मतलब कॉलेज के थ्रू जो नंबर जाते हैं वो होते हैं 50 और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर मतलब बाहर से जो एग्जामिनर रहता है उसका होता है 50 का, मतलब टोटल हो गए 100। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है फर्स्ट ईयर का। इसके बाद टोटल सब्जेक्ट यही रहती है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो एक प्रैक्टिकल होता है वो फर्स्ट ईयर में नहीं होता है, वो होता है थर्ड ईयर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर GNM के लिए नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।